हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। एक्सरसाइज चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा था, लीनियर अलजेब्रा का थ्योरम नंबर फर्स्ट। इसमें हमने करी थी थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये थी कि अननेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी ए सबस्पेस ऑफ वी, अगर डब्ल्यू क्या हो, क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सबस्पेस बताना था, ठीक है, जब W क्या हो, क्लोज हो अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये थ्योरम हमने अच्छे से कर लिया, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ, सब स्पेस होगा V का। अगर अब ये आपको डायरेक्ट भी ध्यान होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरम आ जाए, अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी नहीं है डिफाइन करें। हम डायरेक्ट बाई दिस थ्योरम हम कह सकते हैं अगर ए यू प्लस वी W में चला जाता है तब भी वो क्या होगा, सबस्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है कि वी एफ को सबस्पेस है V का, इफ़ एंड ओनली इफ ए यू प्लस वी क्या हो, W में हो, A जो होगा फील्ड से होगा और U भी W से होंगे। तो मतलब कि अब हम क्या करेंगे, पहले मान के चलेंगे कि सबस्पेस है, तो प्रूव करेंगे ए यू प्लस वी W में है, और नेक्स्ट में ए यू प्लस वी है W में, तो प्रूव करेंगे सबस्पेस है, ठीक है। तो अब ये थ्योरम करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी क्या है, द कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन क्या है। अब हमें फर्स्ट क्या गिवन है कि W क्या है, हमें फर्स्ट गिवन है, देखो हमें फर्स्ट गिवन है कि W सबस्पेस है V का, इफ एंड ऑनली इफ ए यू प्लस वी W में है। तो अब W सबस्पेस है V का, हमने प्रूव करना है ए यू प्लस वी W में है। तो W सबस्पेस है V का, सबसे पहले हमें क्या, लेट W क्या है, सबस्पेस है V का, सबस्पेस है V का। अगर सबस्पेस है V का तो वो बाय, हमने पिछले थ्योरम में करा है कि वो क्या होगा, दस W क्लोज्ड होगा। हर थ्योरम एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर पिछले थ्योरम क्लियर है तो नेक्स्ट थ्योरम आएगी। तो इसलिए जो थ्योरम्स हैं उनको नंबर वाइज करना और माइंड में बैठा लेना इनका रिजल्ट क्या है, उससे आपको थ्योरम करनी इजी हो जाएगी। अब W सबस्पेस है V का, तो W क्या होगा, क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये थ्योरम हमने पहले करी है, अगर ठीक है, इसका हमने अब यहाँ पर यूज़ किया, क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, यू वी जो है W में है, देयरफॉर अगर A कोई F में है तो देखो क्लोज होगा अंडर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हमने क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करा दी, वो भी W में जाएगी। अगेन अगर ए यू डब्ल्यू में है, वी कोई W में है, तो उनकी एडिशन भी जाएगी, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। तो यही कंडीशन हमने प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गई कि अगर W सबस्पेस है V का, हमने प्रूफ करना है कि U प्लस V भी W में जाएगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट आप कंडीशन सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट। अब हमें क्या गिवन है कि ए यू प्लस वी तो W में है, प्रूफ करो सबस्पेस है। सबस्पेस के लिए वही प्रॉपर्टी, आठों के आठ प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं। आठ के लिए हम पहले चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कराते होती है वेक्टर स्पेसेस के, तो हम कहते हैं वो सबस्पेस है, ठीक है। तो अब सबस्पेस प्रूफ करना है, तो लेट W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, सच दैट ए यू प्लस वी W में है, और ए कोई फील्ड में है और U भी W में है। देन अब पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंस अगर वन कोई फील्ड में है तो माइनस वन भी फील्ड में होगा, और हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, U V W को इक्वल ले लेते हैं, U इक्वल है V इक्वल है W के। सिंस अगर W W में है और ए मान लेते हैं माइनस वन है, दस जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन इसका यूज़ भी तो करेंगे ना, जो गिवन है, गिवन कंडीशन ए यू प्लस वी, ठीक है, तो ए यू प्लस वी है, तो हमने क्या करा है, ए को तो माइनस वन,
और इसको हम सेम ले लेते हैं। तो माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मतलब ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो एलिमेंट हो गया डब्ल्यू का, तो ज़ीरो एलिमेंट डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन, अब ए जो है वो एफ में है, यू डब्ल्यू में है, और द देन टेकिंग वी को हम मान लेते हैं ज़ीरो इन द गिवन कंडीशन, कंडीशन ए यू प्लस वी था, तो ए यू प्लस वी तो ज़ीरो है, द ए यू किस में चला गया डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू क्या हो गया, क्लोज हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज भी हो गया, ज़ीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका नेगेटिव एलिमेंट, तो लेट यू अगर डब्ल्यू में है और माइनस वन भी एफ में है, तो एंड डब्ल्यू इज़ क्लोज हो गया अंडर, तो ये मल्टीप्लिकेशन दस माइनस वन यू, माइनस वन ऑफ यू माइनस यू डब्ल्यू में हो गया, सेंस वन एफ में है, ए वन ले लिया, तो वन यू ऑफ वी यू प्लस ऑफ वी डब्ल्यू में चला गया, तो डब्ल्यू क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन, मतलब चारों प्रॉपर्टीज़ ने सेटिस्फाई कर ली। इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन से ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई इस कंडीशन से, तो इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू क्या हो गया, सब स्पेस हो गया वी का। ठीक है, ठीक है, बस यही था इस थ्योरम में, यही प्रूफ करना था कि सब स्पेस है कब, जब ए यू प्लस वी डब्ल्यू में है। तो आप पहले मान लिया कि सब स्पेस है, हम प्रूफ करेंगे ए यू प्लस वी डब्ल्यू में, नेक्स्ट में ए यू प्लस वी डब्ल्यू में हमने प्रूफ करना सब स्पेसेस है, सब स्पेसेस के लिए वही सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे और इस कंडीशन का यूज़ करके। ठीक है, बस इस थ्योरम में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।